अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। आज हम जो सिंपल टेस्ला कॉइल है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके जो है हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको खुद से बना सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर इसको डिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम जो है इसको सिंपली डायरेक्टली कनेक्शन करके जो है और इसको हम बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता चलूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई हैं। तो सबसे एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर है 22 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और एक ट्रांजिस्टर है 2N2222, और एक कॉइल, और एक इसे आप प्राइमरी कॉइल कहेंगे और ये सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल की टर्न्स 200 से 300 के करीब हैं, और इस कॉपर कॉइल की वायर का जो गेज है, इस कॉइल का जो गेज है वो है 26। तो इसमें देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल जो सर्किट ये नहीं है। अगर आप ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो ट्रांजिस्टर में इसकी बिल्कुल फ्लैट साइड पर आप इसको देखेंगे, तो इसके फ्लैट साइड पर, फ्लैट साइड अगर आपने बिल्कुल फेस के सामने रखें, तो सेंट्रल पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट करना है एक रेजिस्टर को, और इसके रेजिस्टर के साथ, उसी सेंटर पॉइंट के साथ, इस कॉइल का जो दूसरा एंड है, प्राइमरी कॉइल का जो दूसरा एंड है, उसको हमने कनेक्ट कर देना है जैसे आप नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल के लिए हमने इसी गेज का, जैसे थोड़ी सी आप थिक वायर ले सकते हैं, उसके तकरीबन 2 से 3 टर्न्स इसके इर्द गिर्द देंगे, और इसके 2 टर्मिनल्स में जो शुरू का जो टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल, वो रजिस्टर से पहले जहाँ बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव एंड, उसके साथ हमने अटैच कर दिया है। और उसके बाद कॉइल का जो दूसरा एंड है वो हम ट्रांजिस्टर के राइट साइड के जो है इस तरफ कनेक्ट, और इस कॉइल के जो सेकंड टर्मिनल है उसको हमने ट्रांजिस्टर के राइट साइड के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के लेफ्ट साइड के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। तो आप देखें, जैसे इसको आप सिंपल कर लेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है, और जैसे इसके हम नज़दीक लेकर आते हैं तो ये वर्किंग में कर रहा है। हमें हमारे वेबसाइट के ऊपर काफ़ी लोगों ने इस हवाले से कमेंट्स किए हैं कि ये काम नहीं कर रहा, या इसकी क्या रीज़न है। तो इसके 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले रीज़न ये है कि इसके गिर्द जो आप कॉइल कर रहे हैं वो ज़्यादा टर्न्स ना दी जाएं, इसको 2 से 3 टर्न्स जो है काफ़ी होंगी। और उसके बाद इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि अगर ये कॉइल को आपने क्लॉकवाइज वाइंड किया है तो इन इसके ऊपर भी जो कॉइल आप करेंगे इसको भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। और इसके साथ इसके जो सबसे नीचे वाला टर्मिनल है उसको याद रखिएगा, रजिस्टर के पहले जो है जहाँ बैटरी कनेक्ट किया है इसको इसके साथ लगाना होगा, और दूसरा टर्मिनल है हम ट्रांजिस्टर के राइट जो कनेक्टर है, राइट जो टर्मिनल है उसके साथ जो है आपने कनेक्ट करना होगा।